मीरन आज हम डेल्फिस के बारे में सुन पाएंगे। मैं डेल्फिस सी साइड पे देखी थी। डेल्फिस बहुत होती हैं। चाहे यहाँ वीडियो देखते हैं। जेलीफिश समुंदर में पाई जाने वाली मुख्तलिफ मखलूकात में से कुदरत की एक अनमोल तख्लीक है। जेलीफिश कई शक्लों और रंगों में पाई जाती है। जेलीफिश तकरीबन दुनिया के हर समुंदर में पाई जाती है, चाहे पानी समुद्री नमकीन हो, गर्म हो या फिर बर्फीला ठंडा। जेलीफिश जानवरों के एक बड़े ग्रुप से ताल्लुक रखती है जिसको नाइडेरियन कहते हैं। नाइडेरियन की दुनिया भर में 10,000 स्पीशीज हैं, जिनमें सी एनमोन और कोरल्स भी शामिल हैं। दुनिया में पाई जाने वाली सबसे छोटी जेलीफिश हमारे अंगूठे के नाखून के जिसामत के बराबर होती है, जबकि बड़ी जेलीफिश 7 फुट तक लंबी हो सकती हैं और इसके बाजू या टेंटिकल्स 37 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। जेलीफिश में हड्डियों का कोई ढांचा नहीं होता, ना ही जेलीफिश की आंखें होती हैं, ना कान, ना दिल और ना ही दिमाग, जबकि मछलियों में पाए जाने वाले गलफड़े भी जेलीफिश में नहीं होते। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जेलीफिश पानी में सांस नहीं ले सकती, और अगर ले सकती हैं तो कैसे लेती हैं? जेलीफिश अपनी जिल्द के जरिए पानी से ऑक्सीजन को जज्ब करती हैं। जेलीफिश के जिस्म में ऊपर की जानिब छतरी नुमा या घंटी नुमा एक खोल पाया जाता है, जिसको बेल भी कहते हैं। इसी बेल के खुलने और बंद होने से ये पानी में तैरती हैं। हकीकत में ये इस बेल में पानी को भर लेती हैं और फिर एक झटके से इस पानी को खारिज करती हैं और इस तरह अपने जिस्म को पानी में आगे की जानिब धकेलती हैं और हरकत अमल में आती है। मगर बहरहाल जेलीफिश समुद्री मौजों के रहमो करम पर ही होती हैं और उसी समुद्री मौजों के रहमो करम पर हरकत करती हैं। जेलीफिश की मुख्तलिफ स्पीशीज में इनके बाजू मुख्तलिफ नौइयत के लंबे हो सकते हैं। कुछ जेलीफिश में रोशनी को महसूस करने के लिए आइस बॉक्स भी पाए जाते हैं, जो सूरज की रोशनी को समझकर हरकत में मदद देते हैं, जबकि कुछ जेलीफिश अपने जिस्म से रोशनी भी पैदा करती हैं। साइंसदानों के नज़दीक जेलीफिश का रोशनी खारिज करने की वजह इनका दिफाई निज़ाम हो सकता है, जो शिकार को अपने से दूर करने के काम आता है। ज़्यादातर जेलीफिश ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी इनके आर पार देखा जा सकता है। यही खासियत इनको दूसरे समुद्री जानवरों के शिकार होने से बचाती है और पानी में जेलीफिश को पोशीदा भी रखती है। जेलीफिश दूसरे समुद्री छोटे मखलूकात से अपनी ग़िज़ा हासिल करती हैं, लेकिन वो शिकार खुद नहीं करती हैं, बल्कि वो दूसरे जानवरों का अपने बाजों या छतरी नुमा बेल में फंसने का इंतज़ार करती हैं। जेलीफिश के बाजुओं में छोटे छोटे सुराखों से एक ख़ास किस्म का जहरीला मादा निकलता है, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को मफलूज कर देती हैं और फिर अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लेती हैं। जेलीफिश इंसानों को भी डंग मार सकती हैं, जो तकलीफदार और बाज़ औक़ात ज़िंदगी के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। जेलीफिश की ज़िंदगी का दौरानिया तकरीबन 1 साल तक होता है और इस 1 साल में ही अपनी जैसी दूसरी छोटी जेलीफिश भी पैदा कर सकती हैं। जेलीफिश बाज़ ममालिक में ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं। साथ ही साथ जेलीफिश अपनी खूबसूरती की बुनियाद पर मुख्तलिफ एक्वेरियम का हिस्सा भी होती हैं और बच्चे और बड़े तमाम इनको देखकर लुत्फ अंदोज होते हैं। जेलीफिश मुख्तलिफ ममालिक में ग़िज़ा का हिस्सा भी होती हैं, जिसकी वजह यह है कि इनमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। बहरहाल जेलीफिश अपनी खसूसियात की बुनियाद पर दुनिया भर में कुदरत की एक अनमोल तख्लीक समझी जाती है। वाओ जबरदस्त मजा आ गया। अगर आपको ऐसी को देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।